नन्ही चंचल जब अपनी मम्मी के साथ अपने मामा की शादी में गई, तो उसने देखा एक अंकल बारी बारी से सबका फोटो खींचे चले जा रहे हैं। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी इन अंकल के पास कोई काम नहीं है क्या? ये तो बस सबका फोटो ही खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। मम्मी ने बताया, नहीं बेटा ये तो इनका काम है, फोटो खींचने वाले को हम फोटोग्राफर बोलते हैं। अच्छा मम्मी, मुझे ना फोटोग्राफर अंकल से बात करनी है। हाँ हाँ तुम करो बात। मम्मी समझ गई कि अब फोटोग्राफर अंकल की तो शामत आ गई, क्योंकि चुलबुली चंचल के तो सवाल खत्म ही नहीं होते, वो बेचारे थक जाएंगे इन सवालों के जवाब देते देते। अंकल अंकल। जी बेटा। मेरा नाम चंचल है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछे बेटा, आप क्या जानना चाहती हैं? आप ये फोटो क्यों खींच रहे हैं? बेटा मैं ये फोटो इसलिए खींच रहा हूँ कि जब कभी आपके मामा मामी इन फोटो को देखें तो इस पल को याद कर वो खुश हो जाएं। हाँ, मेरी भी जन्मदिन पे फोटो खींची गई थी और मैं उसको देख के बहुत खुश होती हूँ। हाँ बिल्कुल, जब कभी आपके मामा मामी भी इन फोटो को एल्बम में देखेंगे तो वो भी ऐसे ही खुश होंगे। तो आप आगे भी अपना एल्बम बनवाना चाहेंगी? हाँ। तो हम फोटो आपके लिए खींचेंगे और आपको हम एल्बम गिफ्ट करेंगे। अंकल आप कोई और काम नहीं करते, आप सिर्फ फोटो ही खींचते हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरा काम तो यही है। अच्छा अंकल, आप फोटो खींचते हैं इसलिए आपको सब फोटोग्राफर कहते हैं? जी हाँ, इसीलिए हमको फोटोग्राफर कहते हैं। हम फोटो खींचते हैं और उनके लिए एल्बम बनाते हैं, इसीलिए हमको फोटोग्राफर कहते हैं। अच्छा अंकल, एक बात और बताइए। हाँ हाँ पूछो बेटा। यहाँ पे तो इतनी ढेर सारी लाइट्स लगी हुई हैं, फिर भी जब आप फोटो खींचते हैं तो आपके कैमरे में लाइट क्यों जलती है? हाँ बेटा, यहाँ पे बहुत सारी लाइट लगी है, लेकिन ये लाइट फोटो खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छी फोटो खींचने के लिए बेटा हमारे कैमरे में भी लाइट लगी है, जिसे हम फ्लैश लाइट कहते हैं। अंकल ये फ्लैश लाइट किस लिए होती है? फ्लैश लाइट बेटा इसलिए होती है जिससे फोटो साफ नजर आए। लेकिन अंकल एक बात समझ नहीं आती है, आपका इतना छोटा सा कैमरा है और इसमें इतने लोग कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा बेटा, ये छोटा कैमरा है लेकिन इसमें लेंस लगा है जिससे हम जूम इन और जूम आउट करते हैं। जूम आउट जब हम करेंगे तो पिक्चर बड़ी और वाइड नजर आएगी, और जब जूम इन करेंगे तो जितना क्लोजअप लेना चाहेंगे उतनी फोटो आती है। अंकल फिर से बताओ ना, जूम इन और जूम आउट क्या होता है? बेटा जूम इन इसलिए होता है ताकि आपका अगर चेहरा अगर हमें नजदीक से दिखाना हो और सुंदर दिखाना हो तो उसके लिए हम जूम इन करते हैं। लेकिन जब आप मम्मी पापा के साथ खड़े हों, अगर आपकी फोटो मम्मी पापा के साथ में लेनी है, तब हम जूम आउट करके आपकी फोटो लेते हैं। इसीलिए कैमरे में जो लेंस होता है उसका काम जूम इन जूम आउट दोनों होता है। अच्छा अंकल, इसका मतलब इस छोटे से कैमरे में बहुत से लोगों को बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, यही तो इस कैमरे का कमाल है। तो आओ अब हम तुम्हारी एक फोटो खींच लेते हैं, एक बार मुस्कुरा दो। बहुत अच्छे। तो इस बातचीत के बाद अब चंचल को पता लग गया कि फोटो खींचना भी एक काम है, वो भी इतना आनंद भरा। क्यों आनंद भरा? क्योंकि सबके बीच में ये फोटोज बाद में खुशियां बांटती हैं। हम सब बैठकर एल्बम देखते हैं, बनी हुई फिल्म देखते हैं और खुश होते हैं, है ना? चंचल की समझ में ये बात अच्छे से आ गई।